जी क्वेश्चन लिखेंगे, गाउस के नियम को लिखें एवं साबित करें। गाउस के नियम को लिखें एवं साबित करें। गाउस के नियम को लिखें एवं साबित करें। देखिए गाउस के बारे में थोड़ा सा बता दें, रहने वाले जर्मन के थे। इसका पूरा नाम था कार्ल फ्रेडरिक गाउस, कार्ल फ्रेडरिक गाउस। इन्होंने सन 1835 ईस्वी में एक नियम दिया था जो गाउस के नियम से प्रसिद्ध है। इनका क्या नियम था, खाली ध्यान से सुनिएगा, अभी हम बोल रहे हैं मन मन दोहराना है, ठीक है। नियम था इसका, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत, निर्गत समझते हो ना, निर्गत निकलने वाला, निकलना, ठीक है। किसी बंद पृष्ठ से निर्गत इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान चार्ज का, चार्ज बोले तो क्यू, चार्ज का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक, सुनो क्या उन्होंने बताया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान चार्ज का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं फाई बराबर क्यू बाय क्या, ε0। यही गॉस लॉ है। जब हम आपसे पूछेंगे गॉस लॉ का फॉर्मूला बोलिए, आप क्या बोलेगा, फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सही है ना, याद रहेगा ना, क्लियर हो गया। गॉस का फॉर्मूला क्या बोलेगा, फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर देखिए बता रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कुछ कुछ बच्चे नए हैं, तो मैं बता दूं उन बच्चों को जो नए बच्चे हैं, बेटा यू हैव टू कम 10 से 11 फ्रॉम 30 जनवरी, 30 तारीख को आपको 10 से 11 सुबह आना है। उस दिन नया बैच स्टार्ट होगा, तो नया बैच स्टार्ट होगा तो यू विल स्टडी फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब शुरू से, स्टार्टिंग से पढ़िएगा एकदम। उसमें कुछ दिन डायमेंशन बताएंगे, कुछ 11th के इम्पोर्टेंट बात बताएंगे, जो 11th बच्चे नहीं पढ़े हैं वो सब बच्चे 30 जनवरी को सुबह 10 से 11 आ जाएगा। ऐसे में जिस बच्चे क्लास मिस हुआ है निश्चित तौर पर आ जाएगा 30 जनवरी को, ठीक है ना, 10 से 11 नया बैच स्टार्ट होगा। और जहाँ जहाँ जाते एक बार प्रचार कर देना है सबको। चलिए लिखिए, देखिए किसी बंद पृष्ठ से निर्गत किसी बंद पृष्ठ से निर्गत इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान किसी बंद पृष्ठ से निर्गत इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान फ्लक्स FLUX U, ठीक है, तो लिखिए FLUX, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान चार्ज का 1/ε0 गुना होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान चार्ज का
चार्ज का 1/ε0 गुना होता है। बाद में उसका लिखना है, चार्ज का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। उसके बाद इसको उतार के इसको उतार लीजिएगा, अर्थात लिख के 5r³ का 1/ε0 या 5r³ ε0, हम जब अभी थोड़ा देर पहले बोले कुछ बच्चों को कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था तो आप निकाल के देखिए, हम उम्मीद करते हैं कुछ बच्चों में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला देखे होंगे। चलिए हम यहाँ बताना शुरू कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। फिर सुनो, अगर किसी को दिक्कत है तो ब्रैकेट में ऊपर में कहीं भी कॉपी में लिख सकते हैं कि गॉस ने यह नियम 1835 में दिया था, ठीक है ना। उसमें नहीं लिखना, एग्जाम में इसको नहीं लिखेगा, इतना ही वही लिखे, ये जो बता रहे हैं इसको आप कहीं ऊपर में लिख लीजिए कॉपी में, 1835। है नाम कार्ल फ्रेडरिक गॉस, पर ये गॉस याद रखो, उतना जरूरी नहीं पूरा नाम लिखना, जरूरी होती पूरा नाम लिखी देना रहती है, लेकिन बता दे लो कार्ल फ्रेडरिक गॉस। हाँ, कोमा का लो पर एफ कार्ल, फोमे का डो और मर्जी का खो फ्रेडरिक गाउस, गाउस, ठीक छो, 1835, रहने वाला जर्मनी के, जर्मन, ठीक छो। बस अब ना, अब यहाँ देख, यहाँ ध्यान देखो, आप प्रूफ कर रहे हैं फिर नहीं बताएंगे। देखिए, मान लीजिए यह एक बंद सतह है, ठीक है, इसका केंद्र ओ है और त्रिज्या क्या है, आर है। कोई दिक्कत किसी को? एक गोले के चारों ओर प्लस क्यू चार्ज समान रूप से वितरित कर देते हैं, कोई दिक्कत? जैसे चार्ज समान रूप से वितरित कीजिएगा, अपने चारों तरफ तुरंत वो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। मैग्नेट रखिए, जैसे तुम मैग्नेट रखा था, अपने चारों तरफ वो क्या बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड बनाया ना, वैसे जैसे ही चार्ज आपने रखा ये चारों तरफ क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या बनाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मान लीजिए ई वेक्टर, इस गोले का क्षेत्रफल मान लो क्या है, एस, एस क्या है गोले का क्षेत्रफल, पूरे गोले का। हम अगर इसका छोटा भाग मानेंगे, ये छोटा भाग, ये छोटा भाग मान लीजिए, ये छोटा भाग क्या हो जाएगा, डी एस वेक्टर। कोई दिक्कत? एस हो गया पूरे गोले का और डी एस क्या हो गया, गोले के छोटे भाग का क्षेत्रफल। क्लियर यहां तक है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? फिर से पूछना है किसी को? नहीं? चलिए, अच्छा सुन, अच्छा पहले फॉर्मूला लिखने के बाद बताइए, फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अभी तुरंत आपको बोले रिवीजन करने के लिए, इलेक्ट्रिक इसका हिंदी हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सूत्र से उल्टा पढ़े, अंग्रेजी में फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हिंदी में उल्टा शुरू कर दें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सूत्र से, ठीक छो ना। हाँ हाँ, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला, जल्दी बोल, 5 बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस एडीएस कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये देख बेटा, जो नहीं पढ़े हैं उनको समस्या होगा, पहले बोल दे रहे, लेकिन 30 तारीख को सुबह 10 बजे आइएगा, ये समस्या आसान हो जाएगा। अब जो नहीं पढ़े बेटा, ऐसा तो प्रॉब्लम है, अगर बिना पढ़े लोग पास कर जाता तब तो किसी का कोचिंग चल भी नहीं करता,
तो सब रूम में सुतल रहा था, कहता पास तो कर ही जाएंगे, पास तो कर जाओगे बात तो सही है लेकिन नॉलेज नहीं होगा, पास कर जाइएगा लेकिन नॉलेज नहीं होगा, बस समझे कि नहीं। इसलिए बेटा थोड़ा सा क्लास रेगुलर कीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हियर हमारा एक चीज यहाँ जवाब दिया है, आप बताइएगा, ये मान लीजिए ई है और ये मान लीजिए डी एस है, अभी कितना कौन बना रहा है? हैं 90 है ना जी, देखिए ना क्लियर दिख रहा है, आई इधर तो ध्यान किधर, 90 डिग्री ठीक है। अब बोलिएगा 90 से कम की ज्यादा, ये भी 90 है, बोलना 90 से कम की ज्यादा, अब कितना ग्लू 0 के 180, जीरो बेटा, 180 तब होता जब इसको ऐसे बढ़ाते, ठीक छ, एक ही रेखा पर एक ही दिशा में 0 डिग्री, एक ही रेखा पर विपरीत दिशा में 180 डिग्री, याद हो गया ना, ये इंटर का नहीं है, ये 8वां 9वां का टॉपिक है। यदि एक ही रेखा पर है, एक ही रेखा पर यह भी ई है और यह भी डी एस है, दोनों एक ही रेखा पर एक ही दिशा में है, तो कितना डिग्री कौन बनेगा? 0 डिग्री। और यदि यही उल्टा ऐसे रहता तब कितना बनता? समझ में आया? ना बड़ा उदास लग रहा तुम, दिक्कत हो रहा है क्या? हैं कुछ सोच रहा है क्या, चिंता हो रहा है क्या? नहीं ना, चिंता से चतुराई घटे व्याधे घटे शरीर, बाकी समझ रहे हैं। तो यहां पर ई और डी एस कितना कौन बनाएगा? ठीक है, हियर थीटा बराबर कितना होते? 0 डिग्री। एक मिनट ज्यादा सब तो देखिए यहाँ पे थीटा का मान कितना का बेटा, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में तो 5 और क्या होगा बोलो तो, कॉस कितना, कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा? ईडीएस हो गया, कहे तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, आपको 11th क्लास में पढ़ाए होंगे, जिसका डिफरेंशिएशन उसी का पढ़ाए हैं। और कैसे पहचान किसका देखिए, इसलिए बोलते हैं बार बार कि 11th क्लास इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, कुछ बच्चे 11th का वैल्यू ही नहीं देते हैं, उसको 12 जब आता है तब पता चलता है, और कुछ बच्चे 11th पूरा बोखता है दिन भर डेमो क्लास खाली यहां वहां, और जब 12 आता है तब समझ में आता है कि बेकार समय बर्बाद कर रहे हैं। देखिए डी के साथ एस है ना, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होगा, इसमें कांस्टेंट कौन बचा? ई को क्या करेंगे? बाहर कर देंगे, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा? ई इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस डी एस, इक्वेशन कितना, कोई दिक्कत? आप देखिए एज वी नो दैट जैसा हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं बेटा बोलो तो, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाए हैं, एकल पॉइंट चार्ज का रे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एकल पॉइंट चार्ज पर, बोल फॉर्मूला ई बराबर, बस एक ही बच्ची जवाब दे रही है, अब बाकी सब दर्शक बने हुए हैं, नहीं समझ में आया रे? फॉर्मूला पढ़े हैं तो जवाब दीजिएगा तब ना समझ में आएगा, इतने बड़ा खामोश रहिएगा तब तो बस हो गया। चलिए अब यह ध्यान दीजिएगा, एंड
इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ds या बराबर, देखिए s अगर होता तो पूरे गोले का क्षेत्रफल, और ds मतलब क्या है, गोले के छोटे भाग का क्षेत्रफल, और जैसे इंटीग्रेशन लगा दिए इसका मतलब हो गया टोटल। बस में इंटीग्रेशन का मतलब होता है टोटल कुल, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है छोटा भाग। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? इसका टोटल, ए बस बस काफी ना, इसका टोटल निकालिए। तो टोटल क्या हो जाएगा, आर त्रिज्या वाले गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बोलिए जल्दी फटाफट, गोले का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, हाँ? वृत्त का क्षेत्रफल पायर स्क्वायर गोले का 4πr2, सब जानिए 4πr2। इक्वेशन कितना हो गया, ये कोई दिक्कत? अब देखिए 3 और 4 का मान किस में रख देंगे, हाँ? दो में, किसका किसका, दो में रख दें, क्या होगा बोलिए तो, यूजिंग इक्वेशन 3 और 4 किस में, इन इक्वेशन सेकेंड, बोलिए मान रख रहे हैं, बोलते चलिए 5 बराबर e का मान पहले 1/4πε0 q/r² अगुना इसका मान कितना 4πr² इसमें देखिए 4πr² कैंसिल हो रहा है क्या, इसलिए बचा के आपके पास 5 बराबर q/ε0। क्या ये प्रूफ करना था, क्या प्रूफ हो गया, क्या कोई दिक्कत? देख बेटा, कुछ बच्चे ध्यान से क्लास में सुनते हैं तो उसको लगभग याद हो जाता होगा, और कुछ बच्चे क्लास में बैठे हैं, शरीर यहाँ है लेकिन दिमाग, आत्मा भी यही है, आत्मा कहीं नहीं है वो भी है, लेकिन दिमाग यहाँ नहीं है। आत्मा मत बोलिए, आत्मा कहीं और है, दिमाग कहीं और है, शरीर आत्मा दोनों साथ साथ है, दिमाग कहीं और है। तो बेटा वैसे बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, बात समझे कि नहीं, इसीलिए थोड़ा सा अब ऐसा नहीं, देखिए उम्र का दोष है। कहा जाता है बेटा कि जो बच्चे दिन में पढ़ते हैं रात में पढ़ते हैं वही मंजिल को पाते हैं, ठीक है, और जो पढ़ते ही नहीं है तो सफलता कहाँ से मिलेगा उनको, तो थोड़ा सा मेहनत तो बेटा करना पड़ेगा, आने तो बेटा ओनली फिगर, जल्दी बनाइए, लेट मत कीजिए। ओनली ड्रा फिगर, फिगर बना के रुकना है, अभी तुरंत भाषा लिखाएंगे। फिगर बना के रुकना है, बना ले फिगर।
उसने जो भाषा लिखा है लिखिए, माना कि एक गोला एस है, फिगर के नीचे माना कि एक गोला एस है एस 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 फॉर स्फेयर, गोला का इंग्लिश तो स्फेयर, माना कि एक गोला एस है जिसका केंद्र ओ एवं त्रिज्या आर है, जिसका केंद्र ओ एवं त्रिज्या आर है, जिसका केंद्र ओ एवं त्रिज्या आर है, गोले के चारों ओर प्लस क्यू चार्ज समान रूप से वितरित है, वो मर्सी का तौर और मर्सी का तौर वितरित है, प्लस क्यू चार्ज के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस क्यू चार्ज के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है, ई पर तीर, बोल लगा ये अपना स्पेशल लैंग्वेज आविष्कार की है, ई वेक्टर है, ठीक है, ई वेक्टर है। लगातार लिखिए, डी एस वेक्टर गोले के छोटे भाग का क्षेत्रफल है, डी एस वेक्टर गोले के छोटे भाग का क्षेत्रफल है, चलिए फटाफट जल्दी से इसको उतारना शुरू कीजिए, यहां से उतारना शुरू कीजिए, जल्दबाजी में खाली बस गलती नहीं उतारना है, जल्दबाजी में
स्लाइड करें हल्का सा। ठीक है, और नीचे। अच्छा ठीक है, लीजिए बोलना नहीं पड़ेगा, अपने आप पर हो जाएगा, आप लोग खाली बस उतरते चलिए। हो गया, सुनिए। अभी चूंकि समय है 5-7 मिनट, एक छोटा क्वेश्चन लिखा दे रहे हैं। हालांकि इसके पहले हमको अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ाना था, लेकिन चूंकि समय है नहीं तो कल पढ़ाएंगे, तो आज हम क्या करते हैं, कोई छोटा 2 नंबर का क्वेश्चन है उसको लिखा दे रहे हैं। तो क्वेश्चन लिखिएगा, गाउस के नियम के महत्व को लिखे। क्वेश्चन लिखिएगा, गाउस के नियम के महत्व को लिखें। क्वेश्चन लिखेगा, गाउस के नियम के महत्व को लिखें। गाउस के नियम के महत्व को लिखें। जी हाँ, गाउस के नियम के महत्व को लिखें। बोलियो, सुन ध्यान से, इसका महत्व क्या है, एक मिनट समझिए। आंसर बोल रहे हैं, पहले समझिएगा तब लिखिएगा। एगो नया वर्ड यहाँ पे बोलेंगे, अभी लिखना नहीं है, बोलेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। ये इस बार जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत। अगर इस बार नहीं आया तब आप लोग को 2 नंबर में आ सकता है। ये कल, ये अभी पढ़ाने वाले, लेकिन चूंकि इसमें समय ज़्यादा लगेगा, इसमें लगभग 40-45 मिनट समय लग जाएगा, इसको कल पढ़ेंगे, कल मतलब अगला क्लास में। सुने ध्यान से, जब चार्ज के सतत वितरण, बताए ना, जब चार्ज के सतत वितरण के कारण
उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कूलॉम के नियम या अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात नहीं किया जाता है, तो वैसे स्थान पर गाउस के नियम की सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि जहां पर कि कूलॉम का नियम फेल हो गया, अध्यारोपण का सिद्धांत फेल हो जाएगा, वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? गाउस के नियम का। समझ में बस में कि नहीं? फिर सुन ये बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर ध्यान से बढ़िया से पढ़िएगा तो जो आपका ये मैग्नेट चैप्टर है उसमें बेटा आपको 50-60% मदद मिल जाएगा। इस चैप्टर को तेरा ध्यान से पढ़ना सीखना है बेटा। बार बार बोल रहे हैं, जिस बच्चे बच्चों क्लास मिस हो जाता है, लेट से आए हैं, देर से आए हैं, तो कोई बात नहीं है। अभी भी ये कहा जाता है, जब जागो तभी सवेरा। हाँ, ये नहीं कि अब रूम में बेटा अपना खोए हुए हैं, सोए हुए हैं, नींद नहीं आ रहा है, रात भर जगे हुए हैं। इसीलिए बोलते हैं कि बेटा तुम्हारी सारी चालाकी जहां से खो के गुजरी है, तुम्हारी सारी चालाकी जहां से खो के गुजरी है, हमारी मायूसी वहीं से हो के गुजरी है। तुम्हारे रात और मेरे रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारे रात मेरे रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। बात समझ में आ? इसलिए बेटा ये याद रखना है कि रो के नहीं गुजारना है, ना रोना ना धोना। ए बेटा, ना बाबू ना सोना, अकेले ही चुपचाप पढ़ते रहना। बात समझे कि नहीं? देखिए, जब चार्ज के सतत वितरण के कारण जब चार्ज के सतत वितरण के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड का मान उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड का मान उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कूलॉम का नियम या अध्यारोपण के सिद्धांत से बोर्ड पे लिखा हुआ देख लीजिएगा, या अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो वैसे स्थान पर गाउस के नियम की सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। गाउस के नियम की सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है आसानी से ज्ञात किया जा सकता है